नगर निगम दो टाइम पानी छत्तीसगढ़ को नहीं दे पा रहा है। पेयजल की टेंडर लेने वाली से है बड़ा सवाल। माली नेता राजेश यादव ने एक दिन पहले डैम का निरीक्षण किया था, जिसमें काफी कमियों की उजागर हुआ था। यादव ने बताया कि ब्लीचिंग की कमी है, प्लांट का स्टार्टर खराब है, पैनल खराब है, प्लांट के मजदूरों को खतरा है। 10 दिन से फिटकरी चूना ब्लीचिंग नहीं है, डायरेक्ट डैम का पानी सप्लाई किया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारी इसका संज्ञान जल्द ले। ज्ञात हो कि पेयजल आपूर्ति का ठेका लेने वाले कर्मी को केवल 10,000 देते हैं, जबकि 15,000 पर साइन कराते हैं। यह भी जांच का विषय है। यादव ने कहा कि जल्द ठीक नहीं किया गया सारा सिस्टम तो होगा आंदोलन। देखिए झारखंड गिरिडीह से अजय चौरसिया की रिपोर्ट। अभी खंडोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो मामला सामने आया, जिसमें वहाँ बिना फिल्टर किया हुआ पानी शहर को कई दिनों से आपूर्ति किए जाने की बात सामने आई थी, जिसको मैंने उठाया और अभी पता चला है कि वहाँ पर वो सारे मटेरियल दिए गए हैं। इसके अलावा वहाँ के मजदूरों ने भी जो वहाँ काम करते हैं, वाटर सप्लाई कर्मी जो हैं, उनका भी कुछ बात है जिस पर कोई नोटिस जो है वो नगर निगम प्रशासन नहीं ले रहा है, जबकि पहले ही उन लोगों के साथ वार्ता में कई चीज़ों पर सहमति बनी है। उन्हें न्यूनतम मजदूरी के तहत में जो भी सरकार का निर्धारित है मजदूरी, वो उनको नहीं मिलता है। वो जहां काम करते हैं वहां बहुत सारे एसेंशियल पार्ट्स हैं, वो वाटर सप्लाई से मोटर से रिलेटेड हैं, वो भी उनको नहीं दिया गया है। खराब होने के बावजूद वो उसी हालत में काम करते हैं, जिससे एक्सीडेंट की संभावना बनी हुई है। इस तरह की एक घटना महादेव तालाब में हो भी चुकी है। हमने सारी बातों को उठाया है। हम समझते हैं कि ये नगर निगम प्रशासन का एक बहुत ही लापरवाहपूर्ण एक रवैया है, और नगर निगम के जरिए जिस भी कंपनी ने इसका टेंडर लिया है वाटर सप्लाई करने का, तो उनकी पूरी जवाबदेही बनती है कि गिरिडीह शहर को साफ और स्वच्छ पानी वो सप्लाई करें, और वहाँ जो मजदूर हैं जो काम करते हैं उनको भी वो नियम सम्मत तरीके से सारे चीज़ों का भुगतान करें। वो मजदूरी करते हैं, पूरा जिंदगी उनका वहीं खप गया है, इसलिए उनको सरकार के द्वारा जो निर्धारित मजदूरी है वो उनको मिले, हम इसकी मांग करते हैं। खंडोली प्लांट में एक दिन पहले वहाँ पे कॉमरेड राजेश यादव जी भाकपा माले के वरिष्ठ नेता गए थे। उन्होंने बहुत बारीकी से वहाँ पे देखा कि फिल्टर करके भी पानी 10 दिनों से नहीं दिया जाता है नगर निगम में। इस पर आपत्ति जताई और मीडिया के माध्यम से भी सभी लोग जाने। अब बताइए कि इस प्रकार से अगर पेयजल बिना उसको साफ किए हुए, बिना फिल्टर किए हुए अगर आम लोगों तक पीने के लिए भेज दिया जाता है, ये तो अन्याय है। दूसरा, उन्होंने यह भी क्लियर किया कि वहाँ पे चूना नहीं है या जो भी सामग्री होनी चाहिए वहाँ पे वो नहीं है, स्टार्टर गड़बड़ है। तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए गौर से, मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रॉब्लम बार बार आता है। दूसरा, वहाँ पे लगभग 60 लोग 80 लोग काम करते हैं, उन तमाम लोगों का जो सैलरी है वो भी एक तरह से बेहतर तरीके से नहीं दिया जाता है। इस पर भी एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, इन तमाम लोगों को मिलकर, जो प्रतिनिधि हैं, जो ठेका लिए हैं, उन तमाम लोगों को ये बेहतर तरीके, इस पर भी एक आवाज़ जब बार बार उठाए जा रहे थे, इसको भी बेहतर किया जाना चाहिए। ज्ञात हो कि लगभग 36 वार्ड है यहाँ पे, और 30 वार्डों में ही जो पाइप लाइन जो बिछा हुआ है, जैसा कि पता है मुझे, इस पर नए वार्डों में पानी सुबह शाम नहीं जाता है या पुराने वार्डों में भी सुबह शाम पानी नहीं जा पाता है, इसको भी तत्काल ठीक करने की ज़रूरत है। अभी हम लोग उस पर देख रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग लिखित आवेदन देकर इस पर भी आंदोलन करने, आम जनता से भी अपील है कि आप इस पर आवाज़ उठाइए। सहने के लिए गिरिडीह नगर निगम में आप नहीं हैं, आप टैक्स देते हैं, तो इस पर आवाज़ उठाइए। और जो जनप्रतिनिधि हैं आपके आसपास, उनको जरूर बोलिए, भाकपा माले के साथ जुड़िए, भाकपा माले आपकी आवाज़ को हमेशा उठाते रहते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।